एक सवाल और हम कर लेते हैं, जैसा कि आप कह रही हैं कि देह व्यापार जो हो रहा था, कोई ज़रूरी नहीं अगर आपके साथ बॉडी रिलेशनशिप कोई और भी बना रहा है तो बच्चे तो किसी और के भी हो सकते हैं, डीएनए टेस्ट की जो मांग आप कर रही हैं। जी नहीं, 1% नहीं, 100% हम बोल रहे हैं कि बच्चा इन्हीं का है। तो फिर लिव इन रिलेशन यानी शारीरिक संबंध तो किसी और से भी बना रही थी आप? हम कैसे दूसरे से बनाए, उनसे रिलेशन बनाने से पहले बच्चा हुआ था ना, अगर सोचते तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। कभी मन में इस तरह का फीलिंग होता है कि मैंने ये सब क्या कर दिया? नहीं, अब तो सोचते हैं कि अगर शायद ऐसा नहीं किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, इतना नहीं झेलना पड़ता हमें, पुलिस चौकी थाना वगैरह सब नहीं देखना पड़ता, कोर्ट कचहरी नहीं देखना पड़ता, माँ बाप जहाँ शादी करें वहीं पर रहना चाहिए हमको, ये सब तो नहीं सोचे लेकिन अब सोचने पर मजबूर हैं। और कुछ लड़कियों को संदेश देना चाहेंगी जो लड़की आपकी बहन बेटियाँ देख रही हैं दूर देशों से? बहन बेटियों को यही बोलना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आजकल के जितने भी लड़के होते हैं, लड़के बस खाली एक शरीर के हवस मिटाने के लिए प्यार मोहब्बत करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। जहाँ माँ बाप शादी करें वहीं अपना। फिर आप जब प्यार में उसके पागल हो जाती हैं, दीवानी हो जाती हैं, फिर यहाँ से पहले कहाँ भागती हैं, कहाँ जाती हैं, फिर मुंबई कैसे पहुँचती हैं? मुंबई में तो साथ में लेके जाते हैं ना। नहीं, फर्स्ट बार में जब गई होंगी तो पहले कैसे, क्या व्यवस्था रहा होगा, कैसे भागी होंगी? कुछ व्यवस्था नहीं था, डायरेक्ट से बातचीत करते हैं हम, घर पे किसी को बताते नहीं, यहीं से डायरेक्ट हम मुंबई ही जाते हैं। या आपने नहीं सोचा कि मम्मी पापा जैसे हम लोग फैमिली रहते तो उसी बीच वीडियो बना जाता है हमारा, एक जैसे बोलते हैं वीडियो, क्या बोलते हो, जैसे अपना टाइप एक वीडियो नहीं बनाते, अलग गंदी वीडियो। गंदी वीडियो मतलब कैसा? जैसे कि हम लोग रिलेशनशिप जैसे कर रहे हैं या कोई मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो लोग ऐसे नहीं बनाते देते हैं कि वीडियो कि हम धमकी देंगे मारने के, डराने के लिए। आप अपने हस्बैंड के साथ मतलब शारीरिक संबंध बना रहे हैं? हाँ, अश्लील वीडियो ऐसा वीडियो बनाते हैं, हमको पता नहीं रहता है। और जिस कैमरा लगता है चालू रहा होगा जी, अब उनकी मर्जी थी, वो कैसे चालू किया क्या नहीं, जब हम ही दो हैं तो वहाँ कोई शक नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई तीसरा आता जाता नहीं था। जौनपुर में है और एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इन्हें मुंबई लेकर जाता है। सबसे पहले तो बड़े बड़े वादे करता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। चलिए पूरा मामला हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मैडम हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से गांव में और किस से ज़िले में हम हैं? ये ज़िला जौनपुर है, नहोरा पनहरिया मेरा गांव है, प्रमोद चौबे का घर है नहोरा दमड़ी कोट, यहाँ से 500 मीटर लगाते हैं उनका घर, तो ये इनका मशीन है, खेत है, आना जाना यहीं पर होता उनका। तो मैडम पूरा मामला क्या है, कैसे क्या होता है, कैसे आप प्यार में फंस जाती हैं, प्यार के जाल में अभी बहुत ज़्यादा लगातार वीडियो वायरल हो रही है और प्यार 2006 से चल रहा था, आप पूरी प्रक्रिया बताइए कैसे क्या हुआ? यहाँ से स्टार्टिंग होती है मेरी बातचीत उनसे, प्रमोद चौबे से उर्फ सूरज मिश्रा जी हैं, तो इनका खेत मसीन ही पे है, हमारा घर यहाँ पे है, तो इनका आना जाना अक्सर लगा रहता था, जब भी देखते थे ना तो जैसे कि मतलब जैसे इशारे नहीं करते बातचीत करने के लिए, उस तरह से बातचीत करने के लिए इशारे करते लेकिन हम समझ नहीं पाते थे, एक दिन दो दिन ऐसे चलता रहा, फिर डायरेक्ट बोलते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, बात तुमसे कर रहे हैं और बुरा मत मानना क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें से शादी करेंगे, तुम्हें मतलब अच्छे से रखेंगे, घर परिवार की तरह जैसे एक फैमिली रहती है, तो उसमें भी 2-3-4 दिन के लिए हम लेते हैं, हम सोचते हैं इस बात को, जब भी वो हमसे बात करते तो हमारे फैमिली किसी को पता नहीं लगता था, जब ये पीछे खेत है हम लोग खुद दिखा सकते हैं इधर जो खेत है, आप जी बताते रहिए, तो इधर हम लोग अधिया खेत में हम लोग दूसरे का फसल उगाते रहते थे, उनका जो टिबुल है और वो टिबुल वो बता रहे हैं। हाँ, टिबुल वो सेमरसेबल मशीन है, ये लगा हुआ धान है उनका खेत है। अच्छा, तो, ये धान ही नहीं लगा? नहीं नहीं, ये जो घेरा हुआ है उनका। अच्छा, जो घेरा हाँ, चारों तरफ जी, तो अक्सर आना जाना चालू रहता था, तो बातचीत करते करते मतलब बात प्यार मोहब्बत तक आ गई, शादी तक आ गई उनसे, मतलब कि हम शादी करेंगे, तुम इस करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, तो इस बात के लिए हम भी सहमत हो गए, ये बात थी 2006 की, तो उसी में हम लोग मुंबई गए थे। मुंबई में जाने के बाद 2-3 महीने बाद हम ज़्यादा प्रयास किए उनसे शादी करने के लिए, तब वो शादी किए, जोर दबाव डाले तो शादी किए हमसे, वो भी मंदिर से किए हैं शादी हमसे, कोर्ट से नहीं किए हैं। इसके बाद हमारी अच्छी खासी फैमिली एकदम अच्छी खासी चल रही थी, एहसास नहीं हो रहा था, और हम वैसे बता दें आपको कि हमारा कास्ट चमार है, उनका जात का चौबे है, प्रमोद चौबे करके जी हाँ, ब्राह्मण है, लेकिन उनको कोई आपत्ति नहीं थी इस चीज़ से कि हम चमार हैं और ब्राह्मण है, उन हर तरीके से मतलब वो अपनाना चाहते थे, रखना चाहते थे हमको और रखे भी, लेकिन कुछ समय ऐसे बीतता गया, खूब अच्छी खासी फैमिली रह गई, हमको कभी एहसास नहीं हुआ कि हम मतलब एक ब्राह्मण परिवार में रह रहे हैं कि अपने कास्ट मतलब चमार में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ समय बीता, ऐसे बीतते बीतते तो जैसे एक फैमिली रहते हैं हम लोग बीच में, उसी में हमारा बच्चा होता है, हमारे एक आयु से लड़का 10-12 साल का है, वो होता है कुछ समय बाद, तो कितने दिन बाद बच्चा पैदा होता है? 2-2.5 साल के बाद ऐसा पैदा होता है हमारा बच्चा,
तो उस वक्त जैसे छोटा बच्चा रहता था बोलने का, हम लोग फैमिली रहते तो उसी बीच वीडियो बना जाता है हमारा, एक जैसे बोलते हो वीडियो क्या बोलते हो, जैसे अपना टाइप एक वीडियो नहीं बनाते अलग, गंदी वीडियो। गंदी वीडियो मतलब कैसा? जैसे कि हम लोग रिलेशनशिप जैसे कर रहे हैं या कोई मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो लोग ऐसे नहीं बनाते लेते हैं कि वीडियो की हम धमकी देंगे मारने के डराने के लिए। अच्छा, आप अपने हस्बैंड के साथ मतलब शारीरिक संबंध बना रहे हैं? हाँ, अश्लील वीडियो ऐसा वीडियो बनाते हैं हमको पता नहीं रहता है। और जिस तो कैमरा लगता है चालू रहा होगा जी, अब उनकी मर्जी थी वो कैसे चालू किया क्या नहीं, जब हम ही दो हैं तो वहाँ कोई शक नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई तीसरा आता जाता नहीं था वहाँ पे, तो वीडियो बनाया गया था वहाँ पे, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। नाइट रहता है 9:30-10 के बीच, यही टाइम रहता है, तो एक आदमी उधर से आता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। उस वक्त जब हम मुंबई से जाते हैं काफ़ी दिनों के बाद हमको कीपैड फ़ोन दिया जाता है, जबकि वो भी हम ज़्यादा चला नहीं पाते हैं, तो वो दरवाज़ा खटखटाने के बाद तो फिर हम प्रमोद जी को कॉल करते हैं कि देखो कौन आया दरवाजे पर, हमें डर लग रही है दरवाज़ा कैसे खोले, तो बोल रहे हैं ठीक है हम आ रहे हैं। तो हमारा आवाज़ सुनने के वो बंदा तो चला गया जो दरवाज़ा खटखटाता, चला गया वो, लेकिन प्रमोद जी आते हैं 10-5 मिनट रुकते भी हैं, देखते भी कोई रहता नहीं है, फिर चले जाते हैं, हम लोग आराम से रहते हैं। फिर दूसरे दिन में आते हैं, हम काम कर रहे हैं बाहर में, हम मुंबई में बता दें आपको कि बोईसर में कलोड़ा गांव में रहते हैं, जिसे आउट एरिया है वहां पे रहते थे हम, वहां पे गांव टाइप में रहता था, ये तो गांव बहुत बड़ा है वो छोटा था, वहीं पे। तो फिर दिन में आते हैं, वो जो बंदा था आदमी था वो आए तो डायरेक्ट घर में घुस गए, तो हम बोले कि किससे मिलना है, काम किससे है, तो बोले कि मिलना भी आपसे है, काम भी आपसे, हमके आपको पहचानते नहीं है, बोले कि जब नहीं पहचान रहे तो पहचान भी जाओगे जान भी जाओगे, ऐसे करके हमसे बोला वो। फिर हम सोचने लगे तरह तरह के बात, तब से हमारे ऊपर जैसे कि अटैक हमला जिसको बोलते हैं वैसे किया, हमको मारे पीटे सब चीज़ किए हमारे साथ, करके चले गए। हमारा बेटा वही बोलता है कि मम्मी ये कौन था। सब चीज़ का मतलब समझे नहीं? सब चीज़ का मतलब जैसे कि शोषण एक नहीं होता है शारीरिक संबंध, जिसलिए धंधा। अच्छा, जी हाँ संबंध भी बना दिया। जी हाँ, इसलिए वो आया था, वो उसी काम के लिए वो आया था, वो काम करके अपना चला गया, मार पीट के धमकी दे के गाली दे के जो भी जिसका अच्छा लगा वो चला गया, क्योंकि उसमें हमारी मर्जी थी नहीं, हम तो अनजान थे उस चीज़ से, तो जो जैसा बात किया होगा वैसे करने आया था, हम औरत जात हम क्या कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते उस वक्त, तो उस वक्त चला गया। तो फिर वही उसी शाम को हमारा बच्चा हमसे बोलता है मम्मी ये कौन था जो आपको मारे पीटे, अपने शब्द में जैसे उसको बोलना अच्छा लगा वैसे बोला, हमसे बात किया, उसको हम बहला दिए, हम कुछ बोल नहीं पाए उससे। फिर शाम को आते हैं इसके पापा प्रमोद कुमार चौबे, तो उनसे हम पूछते हैं हमके कि तुम मतलब कि ये कौन आता है कौन नहीं आता है, हम भी पूछे हमारे बच्चा भी पूछे पापा आप नहीं रहते तो कौन आता है, तो उसको भी बहका दिया जाता है कि कौन है कौन नहीं है। तो उसको दूसरे दिन ले जाते हैं शाम को घुमाने के टाइम में, ले जाते हैं बोलते हैं कि चलो बेटा हम तुमको घुमा के लाते हैं, ये तो चला जाता है अपने बाप के साथ, क्योंकि इस भरोसा पूरा था कि हमारा बाप है, हम भी जानते हैं कि इसका मेरे पति हैं, इसका बेटे हैं पिता, तो घुमाने फिराने के लिए जा रहे हैं, वहीं से हमारे बच्चों को गायब कर दिया जाता है। इसके बाद गायब करने के बाद फिर वापस आते हैं, तो हम पूछते हैं कि हमारा बच्चा किधर है आयुष किधर है, तो बोलते हैं कि वो कहीं भी है जहाँ भी है सही सलामत है, अब जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करो। तो हम सुन रहे थे सिर्फ, हमके क्या करना होगा, बोले कि जैसा जैसे जो मतलब रूम पे आ जा रहा है उसके साथ वैसा करो, और नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। उसी दिन से वो बंदा मतलब ये वही बंदा नहीं, दूसरे बंदे मतलब आना जाना कस्टमर जैसे चालू हो जाते हैं वहाँ पर चालू भी होते हैं। इसके बाद हम रोने लगते हैं वहीं पर, अब उसी बीच हमारा पेट में 2 बार रुकता है बच्चा, तो जाते हॉस्पिटल से दवा ला के देते हैं, और दवा के बारे में जानकारी नहीं कि हम कभी दवा खाए ही नहीं थे, तो दवा ला के देते हैं, दवा खाते हैं हम, फिर उसको सफैया करवाया जाता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, मारते हैं पीटते हैं गाली देते हैं कंटिन्यू, जो है कि हमसे धंधा करवाया जाता है, कहीं घर में कहीं बाहर, कहीं घर में कहीं बाहर, ऐसे करके हमसे शोषण करवाया जाता है, मारा पीटा जाता है। हमारे बच्चे भी रोते थे वहाँ पर, लेकिन पता नहीं था कि हमारा बच्चा था कहाँ उस वक्त। तो एक दिन हम ही बोले इनसे कि हमारे बेटे से मिला दीजिए हमको, और उसी बीच हमारा आधार कार्ड जो है फर्जी भी बनवाया गया था, कि जैसे कि अगर हमारा नाम रहेगा तो पकड़ा जाएंगे क्या है कैसे नहीं, तो जो प्रमोद कुमार चौबे है तो उस पर आधार कार्ड पे दिया गया था सूरज मिश्रा, मेरा नाम वही है लेकिन उनका नाम सिर्फ चेंज हुआ था सूरज मिश्रा करके हैं। तो वहीं से शुरू होता है शोषण, इतना शोषण होता है, इतना शोषण होता है कि कुछ पूछो मत, हम बीमार भी रहते हैं तो दवा खिला के भी हमसे काम गंदा काम करवा जाता है, मारते हैं, दूर लेके जाते हैं, घर में लेके आते हैं, जैसा वहाँ का माहौल देखते हैं वैसे ही काम करते हैं। फिर एक दिन इसको हमारा आयुष आता है हमसे मिलने के लिए, 2-4 लोग रहते हैं वहीं पर, बात करते हैं हम, सॉरी हम बात नहीं करते, इसके पिताजी बात करते हैं जो प्रमोद कुमार चौबे हैं, वो बात करते हैं, जैसे पैसे के लेके हो गया और किसी के लिए नोकझोंक हो गया बात कर रहे थे, एक लेडीज़ भी थी इनके साथ में जो बातें कर रही थी। तो हम खिड़की से देखे उस वक्त कि ये था 4-व्हीलर में बैठा हुआ था, तो हमें दिखा या सामने दिखा, तो हम किसी कुछ बोल नहीं पाए उस वक्त,
बोल ही नहीं पाए। किसके पिताजी? ये बात चीज समझ में नहीं आ पा रही, कौन किसके पिताजी? प्रमोद चौबे के जी? नहीं, प्रमोद चौबे एक ना हमारे बच्चे के पिताजी, जिससे अच्छा, प्रमोद कुमार चौबे जी। तो जैसे हम बोले थे कि हमारे बच्चे को दिखा दो, तो वो लेके आए दिखाने के लिए, पर हमारे सामने आने नहीं दिए, लेकिन इसको हम देखे तो वहीं पे मौका हमको मिला जी। हम देखे उस वक्त फोर व्हीलर बैठा था, तो सब लोग जिससे कि उनके साथ में जो जैसे थे कौन थे, ये चीज़ तो हमें भी नहीं पता था कि लड़ाई झगड़ा पैसे के लिए हो रही थी, किस बात में किस लिए हो रही थी, हमें भी नहीं पता था। लेकिन जो लेडीज़ थी इसका, हमारे बच्चे को जो रखवाली देखभाल कर रही थी, वो भी साथ में थी। ये बताइए ये धंधा कितने साल तक चला? ये लगभग 3 साल तक चलता रहा मेरे साथ। कभी ओपन करने की कोशिश नहीं? हाँ, ओपन किया था, लेकिन हम पुलिस चौकी या फिर कहीं और अन्य दूर पर नहीं गए थे, क्योंकि हमारे जो भी आसपास पड़ोस थे उनको बोला गया था, लेकिन वो लोग को क्या फर्क पड़ता है, वो लोग अपना काम पे जाते हैं, आते हैं, सोते हैं, नाइट ड्यूटी कर चले जाते हैं। वही तो हम आपको बोल रहे हैं कि जैसा माहौल देखते थे हमारे हस्बैंड वैसे ही करते थे, कभी घर पे तो कहीं बाहर। कितने 3 साल में कितने बार आप प्रेग्नेंट हुए? 2 बार। 2 बार जी। एबोर्शन कितने बार हो चुका है? 2 बार हुआ है। दोनों बार हुआ जी हाँ। और ठीक है दोस्तों, तो अब इनके कहे अनुसार बता रहा हूँ इस तरह के जो मामले हैं, ये जो मामले हुए हैं मुंबई में ही? जी हाँ, मुंबई में हुआ है। फिर आप जौनपुर कैसे आते हैं? जौनपुर इसको लेके भागते हैं, जब ये आते हैं इसको हम देखते हैं सामने से, तो हम किसी कुछ बताते नहीं कि हमको कहाँ जाना है, बस इतना बोलते हैं कि हमें बाथरूम जाना है, बाथरूम के बहाने इसको हम लेके भागते हैं वहाँ से, भागते हैं फिर बोईसर से। अब वहाँ से जैसा ट्रेन बताते हैं, बोईसर तो ट्रेन मिलती नहीं, इतना तो सब लोग बताते हैं यहाँ ट्रेन नहीं मिलेगी, कहीं कुरला कहीं दादर ही सब लोग बताते थे, तो हमको दादर ही जिससे अच्छा लगा वहीं से हम भागते हैं। जो जैसे हमको बताता गया कि ट्रेन यहाँ से मिलेगी, ऐसा चेंज करना है, ऐसा चेंज करना है, ऐसे जैसे बताते गए वैसे जैसे हम यहाँ आते गए। और लेकिन यहाँ भी बनारस भी ना रुके हम, ना तो अपने जौनपुर में रुके, सीधा हम जाकर जंघई जंक्शन रुके हैं। हाँ मैडम, एक दो सवाल और हम आपसे कर लेते हैं, यह बहुत मामला गंभीर है। आप जब प्यार में उसके पागल हो जाती हैं, दीवानी हो जाती हैं, फिर यहाँ से पहले कहाँ भागती हैं, कहाँ जाती हैं, फिर मुंबई कैसे पहुँचती हैं? मुंबई में तो साथ में लेके जाते हैं ना? नहीं, फर्स्ट बार में जब गई होंगी तो पहले कैसे, क्या व्यवस्था रहा होगा, कैसे भागी होंगी? कुछ व्यवस्था नहीं था, डायरेक्ट से बातचीत करते हैं, हम घर पे किसी को बताते नहीं, यहीं से डायरेक्ट हम मुंबई ही जाते हैं। या आपने नहीं सोचा कि मम्मी पापा का घर छोड़ के फिर इस तरह का कार्य करना? नहीं सोचे, तभी तो आज हम भोग पछता रहे हैं ना, अगर सोचते तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। कभी मन में इस तरह का फीलिंग होता है कि मैंने सब क्या कर दिया? नहीं, अब तो सोचते हैं कि अगर शायद ऐसा नहीं किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, इतना नहीं झेलना पड़ता हमें, पुलिस चौकी थाना वगैरह सब नहीं देखना पड़ता, कोर्ट कचहरी नहीं देखना पड़ता, माँ बाप जहाँ शादी करें वहीं पर रहना चाहिए हमको, ये सब तो नहीं सोचे, लेकिन अब सोचने पर मजबूर हैं। और कुछ लड़कियों को संदेश देना चाहेंगी जो लड़की आपकी बहन बेटियाँ देख रही हैं दूर देशों से? बहन बेटियों के यही बोलना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आजकल के जितने भी लड़के होते हैं, लड़कियां बस लड़के बस खाली एक शरीर के हवस मिटाने के लिए प्यार मोहब्बत करते, बाकी और कुछ नहीं है। जहां माँ बाप शादी करें वहीं अपना दुनिया एक बना के बसा के रखे बस। अब क्या चाहती हैं इस मामले में? अगर आपका पति, जैसा कि कह रही हैं कि उसकी शादी पहले ही हो गई थी, ये आपको कब पता चला? ये काफ़ी 2 साल के बाद पता चला, जब हमारी एक फैमिली अच्छी थी, तब जब अच्छी फैमिली चल रही थी तब पता चला कि इनका शादी हो गया, जबकि उनके वाइफ का खुद ही फ़ोन आया था। और जहाँ हम रहते थे वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूर पे वो रहती थी। 2 किलोमीटर दूर? 2-3 किलोमीटर। हाँ, 2 किलोमीटर जी हाँ। दोनों अलग अलग रहते? जी हाँ। फिर उनका रूम अलग रहा होगा? नहीं, उनकी बीवी जहाँ रहती थी वो अकेले रहती थी, ये प्रमोद चौबे जो हमारे हस्बैंड वो हमारे साथ ही रहते थे। अपने बीवी को छोड़ दिए? जी हाँ, छोड़ दिए थे, बाकी जो ज़रूरत थी जैसे राशन का, लेकिन हमें कभी ओपन नहीं किया था, लेकिन अब मालूम चल रहा है हमें कि कभी कभी जाते थे तो शायद उन्हीं के रूम पे जाते होंगे राशन वगैरह सब देने के लिए, और यहाँ पे भी वही करते थे। एक पति 2 बीवी जी। फिर कैसे क्या हुआ? फिर आप ये नहीं कहें कि आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? कोई चांस नहीं मिला था हमको बोलने के लिए, बस खाली धमकी हमको मिल रहा था कि वीडियो हम जो सोशल मीडिया पर डाल देंगे तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। हम कुछ नहीं वहाँ पे, मतलब हम रह के भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा वहाँ अपना कोई नहीं था। फिर आपने कोर्ट मैरिज भी नहीं किया, लिव इन रिलेशन में ही रही हैं, कोर्ट मैरिज तो करना चाहिए था ना? उनसे कहा कोर्ट मैरिज के लिए, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं, बोले कि जब रखना हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे जैसे भी रखेंगे तुमको। बात तो यहीं बिगड़ती है ना, जब हम भाग के आते हैं अपने बच्चे को लेके मुंबई से आते हैं सीधा जौनपुर, जब जंघई उतरते हैं हम वहाँ से, तो हमारी फ्रेंड रहती है वहाँ पर रुकते हैं और हम बेचारी हमको रखती हैं, फिर वहाँ से प्रमोद चौबे आते हैं पता करके कि हम हैं तो कहाँ हैं, यहाँ फिर देखते हैं इनका घर तो यहीं बगल में है, मशीन भी बगल में है, जब हमको नहीं पाते तब सीधा जौनपुर राउंड लगाते हैं, तब वहाँ से कहीं ना कहीं हमको ढूंढ लेते हैं, फिर वहीं पे हमसे माफ़ी वगैरह मांगते हैं कि अब चलो हम तुमको रखेंगे, फिर जैसे पहले जैसे हमारी फैमिली थी वैसे हम रखेंगे, अब नहीं गलती करेंगे, बहुत गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे हमारे साथ, फिर हम मान गए, वहाँ भी मान गए, फिर हमको रूम लेके वहाँ भी 2 साल रखे थे जौनपुर में हमको।
वहाँ पे रखने के बाद पत्नी कहाँ रहती थी? अगर जौनपुर में रखे थे तो वो पत्नी कहाँ? शायद ये हाँ बिल्कुल पता है क्योंकि ये मुंबई में रहती थी। उसको अकेले मुंबई में? जी हाँ मुंबई में रहती थी। आप क्या आपका कभी उनकी पत्नी से बात हुआ है जो दूसरी वाली पत्नी? नहीं एक ही बार फोन आया था तभी तो पता चला कि हाँ इनकी बीवी वहाँ पर रहती है। उनका फोन प्रमोद चौबे का फोन तो हम ही उठाए थे ना। आपस में बातचीत कभी नहीं? क्या चाहते हैं इस मामले में आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं बस और कुछ नहीं था। न्याय चाहते हैं हमारे बच्चे को हक मिलना चाहिए, पूरी तरह से हक मिलना चाहिए। ना हमारा मिले तो हमारे बच्चे को मिले, हमें रखें। अगर नहीं हक दे रहे हैं तो हमें घर पे ले चल के रखें, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो फिर बच्चे का हमारा DNA टेस्ट होना चाहिए, पूरी इनकी जानकारी लेना चाहिए कि हमारा इनका बच्चा है। जिसे आज बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं है तो हम पूरी तरह से साबित करना चाहते हैं कि उन्हीं का बच्चा है। एक सवाल और हम कर लेते हैं, जैसा कि आप कह रही हैं कि देह व्यापार जो हो रहा था कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपके साथ बॉडी रिलेशनशिप कोई और भी बना रहा है तो बच्चे तो किसी और के भी हो सकते हैं। DNA टेस्ट की जो मांग आप कर रही हैं? जी नहीं 1% नहीं 100% हम बोल रहे हैं कि बच्चा इन्हीं का है। तो फिर लिव इन रिलेशन यानी शारीरिक संबंध तो किसी और से भी बना रही थी आप? हम कैसे दूसरे से बनाए, उनसे रिलेशन बनाने से पहले बच्चा हुआ था ना कि उन लोगों बनाने से पहले हुआ था? अच्छा ये पहले हो चुका? ये पहले हो चुका था, तभी तो बोल रहे जब 4-5 साल के बीच में था तभी तो ये धंधा काम करवाया जा रहा था। इसके बीच हमारा 2 बार गर्भपात रुका था जो कि दवा खिला के गिरवाया गया था। कितने साल तक आप लोग का अच्छा रिलेशन रहा? 4-5 साल अच्छे से था, उससे ज़्यादा भी हम बोल सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से बीता है। पता ही नहीं चला दिन समय पता ही नहीं चला कि कब अच्छा दिन बीत गया, बुरे दिन आने वाले हैं पता ही नहीं चला। जब इतना बड़ा पहाड़ आपके ऊपर टूटा होगा फिर क्या फीलिंग हुई होगी, कैसा लगा होगा? सारे सपने तो टूट गए हैं। बहुत हम टूट चुके थे, सपने की बात छोड़िए, हम बहुत टूट चुके थे कि हमें कुछ दिख नहीं रहा था। या तो फिर हमारे लिए ये अच्छा था कि मर जाना ही बेहतर है, लेकिन हम बच्चे का मुँह देख के आज भी हम जिंदा हैं। बेहद दुखद है और हकीकत क्या है इसमें जाँच होनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि लगातार CM योगी कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम बहन बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं, चूँकि बहुत से लोगों का यह भी कमेंट आएगा कि प्यार आपने किया है तो CM योगी इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, कहीं ना कहीं इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। तो मैडम CM योगी से क्या उम्मीद आप रखती हैं? उम्मीद यही रखते हो कि हमारी पूरी जांच करें, पूरी जानकारी लें, उन बेटे का हक दिलवाएं। और नहीं हक दिलवा रहे हैं तो हमें एक सेफ्टी दे कि हम उनके घर पर रह सके, हम रहेंगे भी। अगर हक दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर पर रख रहे हैं तो और अच्छी बात है, बाकी और कुछ नहीं। वही इनसे आदित्य योगीनाथ से यही मदद हम चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा मदद तो हम चंद्रशेखर आज़ाद भैया से चाहते हैं। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हेल्प भी करें। मैडम एक सवाल और हम कर लेते हैं, कोई अपनी झकझोर देने वाली बात है कि कोई पति इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है? बहुत से लोगों के मन में भी सवाल चल रहा है। हाँ चलता चल भी हमारे मन में भी यही चल रहा है ना, क्योंकि हम भी एक औरत हैं, क्योंकि हम भी चाहते तो हम भी ये काम अच्छे से कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम जिन पे भरोसा किया, जिन पे विश्वास किया, वही जब हमको तोड़ कर रख दिया तो हम कैसे विश्वास करें? एक बार विश्वास तो दिए, हमें इतना ज़्यादा विश्वास दे दिया कि हम पूरे विश्वास पर निर्भर हो गए। लेकिन दोबारा इतना बंदा गिर सकता है प्रमोद चौबे, लेकिन हम कभी सोच भी नहीं सकते और उसके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं ये हम नहीं बता सकते। अगर मान लीजिए ऐसे लोग अगर जो अपनी पत्नी के साथ कराते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई आप चाहती हैं या नहीं चाहती हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहेंगे कि उनकी कड़ी से कड़ी सजा हो। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? अरे इससे भी ज़्यादा अगर कड़ी सजा हो तो इस मौत की सजा होगी, यही होगी ना, इससे ज़्यादा कोई सजा हो ही नहीं सकता। अगर कड़ी सजा उनको मिल रही है तो और अच्छी बात है, अगर सजा से पहले सब भुगतान अगर भुगतने के लिए तैयार है, जब हक दे रहे हैं तो कोई बातें नहीं है उसमें। कड़ी से सजा वही सिर्फ मौत होती है। फिलहाल बेहद यह घटना बेहद दुखद घटना है और मुझे आशा और उम्मीद है कि इस तरह के मामलों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस का क्या बिहेवियर है, क्या रवैया है, पुलिस आपका साथ दे रही है या नहीं दे रही? अभी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, जहाँ से हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, जो जैसा बोल रहे हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम तो कल वहाँ कप्तान सर के पास भी गए थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारा काम हो जाएगा, कोर्ट से कप्तान सर के पास, कप्तान सर के पास कोर्ट से जो है कि किराकत कोर्ट, यही कर रहे हैं, छान रहे बस खाली, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और किराकत कोर्ट में गए थे अपने बयान देने के लिए तो वहाँ भी खुलेआम धमकी दिया जा रहा है कि हमारा कोई कुछ खाड़ नहीं पाएगा। कौन बोला है? ये प्रमोद कुमार चौबे बोल रहा है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो आगे फिर क्या करेंगे? आगे हम जहाँ तक हमको अच्छा लगेगा वहाँ तक जाएंगे, हम लखनऊ जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा हम वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक आवाज उठाएंगे अपना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे बीच एक महाराज जी हैं, इस तरह के मामले सुनकर वो क्या विचार व्यक्त करते हैं, इस तरह की बहन बेटियां जो हैं लगातार इस तरह के वीडियो भी वायरल हो रही हैं, क्या कहते हैं, चलिए हम उन्हीं से जान लेते हैं।